हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है स्मार्ट काउंटिंग आरसनआर के यूट्यूब चैनल पर। मैं मोहन सुतार, स्मार्ट कंप्यूटर्स रायसनगर से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भी टेली ईआरपी 9 काउंटिंग सॉफ्टवेयर में एक ऑप्शन होता है सेट क्रेडिट लिमिट्स। तो सबसे पहले हम सेट क्रेडिट लिमिट्स का मॉड्यूल को समझते हैं भी इसका फंक्शन हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से इस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि बहुत बार ऐसा होता है भी जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो एक उस लोन की एक अमाउंट फिक्स होती है, जैसे कि 1 लाख रुपये या 2 लाख रुपये या 3 लाख रुपये। मान लीजिए हमने बैंक से 2 लाख रुपये का लोन लिया है, तो हम जैसे जैसे हम बैंक से लोन की अमाउंट को हम निकालते रहेंगे तो वैसे वैसे हमारा बैंक में बैलेंस है जो कम होता रहेगा। और जिस दिन हमने बैंक से पूरा 2 लाख रुपये यूज़ कर लिया तो उस दिन हमारा बैंक में बैलेंस है जो 0 रुपये हो जाएगा। तो सेम उसी तरीके से हम हमारे बिजनेस के अंदर हमारे कस्टमर पे भी हम एक लिमिट लगा सकते हैं कि हम इस कस्टमर को इतने रुपए तक का ही उधार सामान हम सेल कर सकते हैं या सेल हम करेंगे। कई बार ऐसा होता है भी हम किसी कस्टमर का भूल जाते हैं भी किस कस्टमर को कितने रुपए तक का उधार देना है या कौन से कस्टमर को कितने रुपए का उधार नहीं देना है। तो पर्टिकुलर वो ऐसा बिजनेस में ज़्यादातर याद नहीं रहता, तो उसके लिए इस फंक्शन का सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो आज हम उसी फंक्शन को प्रैक्टिकल रूप से समझने वाले हैं भी उस फंक्शन का हम यूज़ हम कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप एंड तक पूरा देखना ताकि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली टेलीविजी और अकाउंटिंग से रिलेटेड नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमें टेली में कंपनी क्रिएट करने के बाद हमें टेली में कुछ फंक्शन को इनेबल करना रहेगा क्रेडिट लिमिट के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F11 और F11 प्रेस करने के बाद हम जाएंगे अकाउंटिंग फीचर पर। इस पर मैं इंटर प्रेस करूंगा और इंटर प्रेस करने के बाद सबसे पहला ऑप्शन हमें आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट में मेंटेनेंस बिल बाय बिल डिटेल को यस करना पड़ेगा। अगर ये बाय डिफॉल्ट आपके पास अगर ये नो आ रहा है तो आप इसे यस करोगे। मेरे पास ऑलरेडी इसका यस है। और उसके बाद एक ऑप्शन ये भी आएगा भी मेंटेनेंस बजट एंड कंट्रोल, तो ये बाय डिफॉल्ट नो है तो इस फंक्शन को भी हम यस करेंगे। तो इसको यस करने के बाद मैं इस फंक्शन को भी यस करूंगा और एंटर एक्सेप्ट करते हुए सेटअप को मैं सेव करूंगा। तो वापस मेरे होम पेज पे आ जाऊंगा गेट टेली के। सबसे पहले हमें जिस जिस कस्टमर पर हमें क्रेडिट लिमिट सेट करनी है उस लेज़र को हमें अल्टर करना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम लेज़र क्रिएट कर रहे हो तो उन फंक्शन को हम स्टार्टिंग में ही इनेबल कर लेंगे। अगर आपने ऑलरेडी लेज़र क्रिएट कर रखा है उस कस्टमर का तो उस कस्टमर को हम अल्टर करेंगे। अल्टर करने के लिए सबसे पहले मैं अकाउंट इन्फो पर जाऊँगा और अकाउंट इन्फो पर जाने के बाद मैं लेजर्स पर जाऊँगा और अल्टर पे। अब जैसे कि मेरे पास एक कस्टमर है मुकेश कुमार, ये अंडर में मेरा सैलरी डेबिटर है, तो सबसे पहले मुझे मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाय बिल इस फंक्शन को यस करना पड़ेगा। और यस करने के बाद एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी आ जाएगा भी चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग दी वाउचर एंट्री, तो ये फंक्शन ने मेरे पास नो है तो इसको भी मैं यस करूँगा। और उसके बाद यहाँ पर मुझे क्रेडिट लिमिट इसकी सेट करनी पड़ेगी भी इसमें कस्टमर को कितने रुपये तक का उधार सामान देना चाहता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसकी कस्टमर की लिमिट है जो 15,000 रुपये की रख दी, यानी कि मैं इस कस्टमर को 15,000 रुपये तक का ही उधार सामान दूंगा। अगर इसके ज़्यादा अगर इसकी अमाउंट इंक्रीज होती है तो मुझे वार्निंग मिल जानी चाहिए। तो बाकी फंक्शन को मैं एजीटीज रखते हुए इसको भी मैं वापस एक्सेप्ट यानी कि सेव करूँगा इसको मैं। तो उसके बाद मुझे अकाउंटिंग वाउचर में सेल बिल इस कस्टमर का बनाना पड़ेगा, तो वाउचर नंबर मेरा 1 रहेगा और उसी कस्टमर को मैं मुकेश कुमार को यहाँ पे सेल कर रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट कोई भी ले लेता हूँ, मैं निखार हेयर ऑयल ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 100 पीसेस डालता हूँ और इसका एक का जो रेट है वो मैं 200 रुपये रखता हूँ मैं। तो अब जैसे ही मैं 200 रुपये रखूँगा तो इसकी अमाउंट है जो 15,000 को क्रॉस कर चुकी है आउटपुट CGST और आउटपुट SGST टैक्स। तो टैक्स लगाने के बाद इस जो वाउचर्स की जो फाइनल अमाउंट जो बनेगी वो 19,999 यानी कि लगभग 20,000 रुपये की अमाउंट इसकी जो बन चुकी है। अगर इस वाउचर को अगर मैं सेव करता हूँ मैं तो यहाँ पर मुझे वार्निंग दे देगा
भी क्रेडिट लिमिट ऑफ मुकेश कुमार 15,000 रुपये, और ये करंट बैलेंस है आपका यानी कि जो करंट इनवॉइस की जो अमाउंट बन रही है वो लगभग 20,000 रुपये के समथिंग बन रही है, तो ये वाउचर मुझे सेव नहीं करने देगा, तो वापस ये वहीं आ जाएगा घूम फिर के जहाँ से स्टार्टिंग हमने करी थी। तो फ्रेंड्स एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है, ये जो फंक्शन है ये केवल आपके सेल बिल पे ही लागू रहेगा। अगर आप मुकेश कुमार को पेमेंट देना चाहते हो 15,000 रुपये से ज़्यादा तो आपको ये नहीं रोकेगा। वैसे तो आपको यहाँ पे मुकेश कुमार कस्टमर के नेम के पास भी आपको दिखा देगा ये भी इसकी क्रेडिट लिमिट है जो 15,000 रुपये तक ही है, और इनवॉइस की जो अमाउंट है वो लगभग 20,000 रुपये बन रही है। अगर इस इनवॉइस के वाउचर की हम कम कर देते हैं, इसका इनवॉइस की जो वैल्यू है अब मैं यहाँ पे 50 रुपये कर देता हूँ, तो इसकी इनवॉइस की जो वैल्यू है वो कट के कम होगी लगभग वो 5,000 रुपये समथिंग रह गई है, राउंड ऑफ करूँगा। तो अब इस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो 5,000 रुपये बन चुकी है, अब ये इस वाउचर को सेव करेगा। अब जैसे इसका मैं नेक्स्ट इनवॉइस अगर हम बनाएं इसका मुकेश कुमार का, तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाएगा भी वन बिल ऑफ मुकेश कुमार इज आउटस्टैंडिंग ड्यू डेट एक्सेट, यानी कि अभी इस कस्टमर का एक बिल आप सेल कर चुके हो जिसकी आउटस्टैंडिंग अभी बकाया पड़ी है, यानी कि उस बिल के अगेंस्ट के अंदर अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसे वापस सेव करेंगे, वापस सेम प्रोडक्ट हम सेल करेंगे 100 पीस, और इसकी जो रेट है वो 150 रुपये हम करेंगे। तो अब इस तरीके से इस इनवॉइस की जो वैल्यू है वो हमारी आउट CGST और SGST लगने के बाद में बाकी डिफरेंस हम राउंड ऑफ करेंगे, तो इस तरीके से इस टोटल इनवॉइस की वैल्यू है जो 15,000 रुपये बन चुकी है, और 5,000 रुपये हम उस कस्टमर को ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो इसकी जो क्रेडिट लिमिट है वो ऑलरेडी 15,000 ही है। तो जैसे हम इस वाउचर को हम सेव करने की कोशिश हम करेंगे तो हमें ये वार्निंग यहाँ पे दोबारा देगा, क्रेडिट लिमिट ऑफ मुकेश कुमार 15,000 एक्सीड, यानी कि आप करंट जो टोटल उसका इनवॉइस है वो 20,000 रुपये तक का हो चुका है करंट बैलेंस इसका, यानी कि 5,000 रुपये का सामान हमने इसको पहले ऑलरेडी सेल कर चुके थे और 15,000 रुपये का ये बिल बन चुका है, तो टोटल इसकी 20,000 रुपये है और इसकी जो लिमिट है वो 15,000 रुपये ही है। तो फ्रेंड्स अगर इसी तरीके से हम इसे कैश पेमेंट अगर हम करना चाहें, जैसे कि मैं पेमेंट वाउचर पे आता हूँ और मैं मुकेश कुमार को कैश पेमेंट देता हूँ 12,000 रुपये की, और अगेंस्ट रेफरेंस इसमें रहेगा न्यू रेफरेंस 12,000 रुपये डेबिट और कैश करूँगा, तो अब यह नेगेटिव कैश, तो इस कंडीशन में ये फंक्शन है जो अप्लाई नहीं करेगा, ये क्रेडिट लिमिट का जो ऑप्शन है वो केवल और केवल आपके सेल इनवॉइस पे अमाउंट पे ही लागू रहेगा। आप कैश पेमेंट या चेक के थ्रू पेमेंट आप इस कस्टमर को चाहे जितनी मर्जी दे सकते हो, ये जो क्रेडिट लिमिट है वो ओनली आपकी सेल्स इनवॉइस पे ही लागू रहेगी, यानी कि आप उसको सामान है जो एक अपने लिमिट के जो दायरा है उसका आपने बना रखा है उस दायरे तक ही सेल कर सकते हो, पेमेंट पे ये ऑप्शन है जो लागू नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर भी जरूर कर देना, और वीडियो कैसी लगी आप हमें ये कमेंट करके भी जरूर बताना। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन का बटन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।